सर मैं स्वामी विवेकानंद के वर्क से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ मैंने उनका काफ़ी वर्क पढ़ा भी है तो उनका एक कोट है स्पेसिफिकली वो है गेट अप एंड सेट योर शोल्डर्स टू द व्हील हाउ लॉन्ग इज़ लाइफ देयर फॉर यू एज यू हैव कम इन टू एग्जिस्टेंस लीव अ मार्क बिहाइंड और वेदर देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड द ट्रीज एंड द स्टोन्स दे डू कम इन टू एक्जिस्टेंस एंड देन दे डाई एंडिकेट लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नमस्कार दोस्तों मैं अभिनंदन आपका इस जा रफ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि मैं अभी तक यू पी बिहार पी के जो टॉपर्स थे उनकी सीरीज चला रहा था अभी रिजल्ट आया है यूपीएससी का अभी तो उसी की सीरीज में आज हमारे बीच बात करने के लिए प्रयागराज से अपूर्वा मैम है जिनका भी चयन हुआ यूपीएससी में और मैम का 68 रैंक है तो मैम सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई थैंक यू सो मच तो मैम अभी जो एग्ज़ाम आपने ये क्रैक किया यूपीएससी का तो इसका आपका क्या प्रेरणा सोच इसका क्या था कि मतलब क्यों इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए आ, मैं हमेशा से इस फील्ड में आना चाहती थी तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि आ, सिविल सर्विसेज एक अच्छा ऑप्शन है करियर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है और एक ऐसा है जिसमें मैं काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ और मैं काफ़ी कुछ सीख भी सकती हूँ तो इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम देने की सोची Uh, मैम अभी बी करने के बाद इधर आने का कैसे जैसे बनाऊँ बी uh, टेक तो इसलिए किया था मैंने क्योंकि एक स्टेबल करियर ऑप्शन होता है बट फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे अगर इस एग्ज़ाम को करना ही है तो यही सही समय होगा इसको स्टार्ट करने का तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के जस्ट बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी uh, मैम आपकी ग्रेजुएशन आपका कहाँ से था अभी uh, मेरा ग्रेजुएशन छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से था वहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी टेक किया जी तो मैम जैसे जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए होते हैं वो जानना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं कैसे अपनी रणनीति बनाते हैं तो मैम आपका प्री के लिए क्या रणनीति थी प्री को प्री के लिए मेरा स्टार्टिंग में था कि जितने भी बेसिक बुक्स कवर करने हैं एन और जो भी रेफरेंस मटेरियल है वो और साथ में करेंट अफेयर्स ये दो पिलर हो गए थर्ड पिलर होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रिलिम्स uh, के उनकी प्रॉपर स्टडी इन डेप्थ स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं एंड लास्टली बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स के लिए uh, मैम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट प्रिलिम्स uh, और मेंस को लेके साथ साथ चलते हैं तो आपकी क्या रणनीति थी, थी और कैसे आपने किया दोनों को साथ लेके आपने चला की अलग अलग फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान दिया और मेंस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई जिसकी वजह से मेरा मेंस में नहीं हुआ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि हम जब प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम मेंस का भी सिलेबस कंप्लीट करते चलें क्योंकि प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है इट इज़ ओनली थ्री मंथ्स तो उसमें नहीं कवर हो सकती चीज़ें तो जैसे अगर एक साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें साथ में लेके चलें और जब प्रिलिम्स आने वाला हो तो उसको दो तीन महीने पहले सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करें ओके मैम तो अभी जैसे एक बच्चों में ये रहता है जैसे एक एक हम पेपर को उठाएं जैसे जी एस वन को हम उठाए तो जी एस वन पेपर की आपने कैसे तैयारी की और कौन कौन सी बुक लिस्ट आपने यूज की जी एस वन में जो प्रिडामेंट पोर्शन है वो हिस्ट्री का है तो उसके लिए एनशेंट मिडीवल और मॉडर्न इंडिया ये सब हम लोग पढ़ते हैं प्रलिम्पस में जो भी मटेरियल पढ़ते हैं उसको पढ़ेंगे जैसे मॉडर्न इंडिया के रेस्पेक्ट्रम हो गया एनशियट और मिडिवल के लिए एन जो हैं क्लास ट्वेल्थ की थीम वन टू थ्री वो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं तमिलनाडु एन सी आर क्लास की वो भी काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं तो ये सब और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए नितिन सिंह घानिया की बुक है सो so, इससे आपका क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है तो ये कवर हो जाएगा जी। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोसाइटी वाला पोर्शन तो आप उसमें सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उनकी ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हैं और कई सारे कोचिंग मटेरियल कई सारी कोचिंग वेबसाइट्स जो हैं वो ये मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं फ्रीली तो आप उस हिसाब से अपने नोट्स अरेंज कर सकते हैं देन कम्स जोग्राफ़ी जोग्रफ़ी में वही जो प्रिलिम्स में पढ़ा है एलेवन ट्वेल्थ की एन सी आर टी जी सी लियॉन्ग वो पढ़ना है और करंट अफेयर्स बेस्ड चीज़ें भी जोग्राफी में आती हैं तो दिस विल टेक केयर ऑफ जी एस वन मैम अभी जी एस टू की आपने कैसे तैयारी कीजिए जी एस टू का जैसे पार्ट है पॉलिटी वाला पार्ट तो वो लक्ष्मीकांत इट इज़ वेरी क्रूशियल तो उसको आप कंप्लीट करेंगे एकदम अच्छे से उसके बाद जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वो आपका करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ चल रहा है और उसमें जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन मतलब सिलेबस में जो भी टॉपिक्स लिखे हैं उन टॉपिक्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्योंकि उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस आएंगे देन कम्स इंटरनेशनल रिलेशंस उसका पार्ट है तो वो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड ही है तो आप जब करंट अफेयर्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो वह पोर्सन आपका तैयार होता चलेगा मैम जी एंड जी, जी के लिए जी एस थ्री में जैसे काफ़ी टॉपिक्स हैं इकोनॉमी है इन्वायरमेंट है डिज़ास्टर मैनेजमेंट देन सिक्योरिटी एंड देन साइंस एंड टेक सो so, काफ़ी बड़ा पेपर है बट द थिंग इज़ ये जो इतना बड़ा पेपर है ये सारा जो आप साल भर दो साल जो भी करंट में इश्यूज़ चल रहे हैं करंट अफेयर्स उसके बेसिस पे है और सिलेबस में एक एक जो पार्ट लिखा है जैसे फूड प्रोसेसिंग का लिखा हुआ है रीनबल एनर्जी रिसोर्स का लिखा हुआ है अब ये सब लिखे हैं और ये सब क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट तो ये सब हमारा एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए तो इसके लिए हम या तो कोई रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं जैसे मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जब इकोनॉमी पढ़ी थी तो मैंने मरुनाल के वीडियोस देखे थे ऑनलाइन और एनवायरनमेंट के लिए जैसे शंकर आई की जो बुक है उससे पढ़ा था और कई सारी वेबसाइट से भी और जैसे जब भी एग्जाम होने वाला रहता है तो कोचिंग मटेरियल जो रहते हैं उसमें वो लोग हर उसका एक ईयरली कंपाइलेशन निकालते हैं तो आप उसको पढ़ के देख सकते हो आपके कुछ काम का लगे तो आप उसको पढ़ लो द मेन थिंग इज़ कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए तो दैट विल टेक केयर ऑफ इट मैम मीथिक्स वाला जो जी है जी एस फोर के लिए तो पेपर में क्या है कि उसमें नॉर्मल पेपर्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि केस स्टडी है आधा सेक्शन और आधा जो सेक्शन है उसमें आपको जीएस जैसे आंसर्स नहीं लिखने एथिकल आंसर्स लिखने हैं एथिकल केस स्टडीज़ यूज़ करनी है ज़्यादा एग्जांपल्स पे फोकस करना है कोट्स वगैरह लिखने तो आपको थोड़ा उसमें स्टाइल चेंज करके लिखना पड़ेगा ऐसे पॉइंट वाइज आंसर्स ऐसे नहीं उतने होते हैं जी एस में तो इसके लिए बेसिक बुक कवर मतलब एक बुक है डी के बालाजी की एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड तो उसमें वो कवर हो गया था सिलेबस ऑलमोस्ट और बाकी आपको अपने से वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा ओके मैम तो अभी मैम आपका ऑप्शनल पेपर कौन सा था और उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे की जी मेरा ऑप्शनल पेपर जोग्राफी था तो प्रिपरेशन उसकी मैंने खुद से ही करी थी बुक्स वगैरह ख़रीद के जैसे फिजिकल जोग्राफी सविंदर सिंह इंडियन जोग्राफी खुल्लर और माजिद हुसैन की जो थ्री बुक्स आती हैं जोग्रफ़िकल थाट एंड मॉडल थ्योरीज एंड लॉज एंड थर्ड बुक इज़ ह्यूमन जोग्राफी सो दीज फाइव बुक्स द बेस ऑफ माई प्रिपरेशन फॉर जोग्राफी और जोग्रफ़ी में क्या है जो पेपर टू है उसमें बहुत ज़्यादा जो आएगा वो करेंट इवेंट्स बेस्ड आएगा देखने में क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि वो जी एस पेपर के क्वेश्चन हैं बट दे विल रिक्वायर जोग्रफिकल नॉलेज टू आंसर दोज क्वेश्चन तो जोग्रफी के पेपर टू के कमांड के लिए आपका करंट अफेयर्स जो आप जी एस थ्री में पढ़ते हैं करंट अफेयर्स वो काफ़ी हेल्पफुल होता है तो और फिर पेपर वन के कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ करके तो आपको आंसर वगैरह लिखने की अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जोग्राफी में स्पेशली ओके मैम तो जैसे अभी आपका जो एस वाला पेपर है तो एस को आपने कैसे कवर किया और कितनी मतलब प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें कैसे एस का जैसे मैंने लास्ट एटलीस्ट फाइव टू टेन इयर्स का मैंने देखा कि थीम्स क्या हैं ऐसे की तो मैंने वो सारे थीम्स नोट किए फिर उस हर थीम पे जो बेसिक कंटेंट मैंने उसके लिए लिखा जैसे एक थीम हो गया वेमेन का वेमेन इशूज़ तो वेमेन के जो जो इशूज़ हैं वो सारे नोट डाउन किए फिर जैसे अगर फेडरलिज़म पे है तो फेडरलिज़म के इशूज़ नोट किए टेररिज्म के नोट किए ऐसे आपके पास टॉपिक्स कंप्लीट होने चाहिए तो जब पेपर में आएगा कोई भी टॉपिक आपके प्रिपेयर्ड मटेरियल से आएगा तो अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा तो आपका जो ये इतना बेस मटेरियल है उससे वो हेल्प करता है तो बिफोर हैंड एग्जाम के टॉपिक्स प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके uh, मैम okay, तो अभी जैसे मैम प्रीवियस ईयर और टेस्ट uh, सीरीज का क्या रोल है और अभी आप उसको कैसे देखती हैं या आपके लिए कि ये कितना हेल्पफुल रहा डेफ़िनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो बहुत क्रूशियल हैं प्रिलिम्स के लिए तो आप ट्वेंटी ईयर्स का देख लीजिए पेपर और जो लास्ट फाइव टू सिक्स इयर्स के पेपर हैं उससे आप थीम्स समझ लीजिए और बाकी सॉल्व प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए लेकिन ऐसे थीम्स अभी जब से पेपर चेंज हुआ है 2013-14 से तो आप उससे थीम्स अच्छे से एनालाइज कर लीजिए उन थीम्स पे प्रिपेयर करने की कोशिश करिए और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ क्रूशल है कि आप उसमें आंसर राइटिंग के आपकी टाइम लिमिट में प्रैक्टिस एक बार एग्जाम में जाने से पहले आपकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट मॉक जो भी हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाएगी और मिस्टेक से आप सीखेंगे अभी कोचिंग संस्थानों का क्या रोल है इस समय जो यूपीएससी का एकदम नया सा दौर आया है और सेल्फ स्टडी और एनालिसिस का दौर चल रहा है तो अभी कोचिंग संस्थानों का क्या रोल है और आपने कहीं पे कोचिंग की थी या नहीं थोड़ा मैम इसको क्लियर देखिए कोचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है उनको ज़रूरत है कि नहीं और और खुद से भी पढ़ के कितने सारे लोगों ने अभी तक किया हुआ है तो डेफ़िनेटली आप खुद से भी कर सकते हैं बट इफ़ यू नीड हेल्प तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं ये पर्सनल जो भी जिसका इंटरेस्ट हो जिस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करते हैं या फिर जितनी उनकी कैपेसिटी हो खुद से पढ़ने की तो उस हिसाब से जैसे मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी मैंने घर से ही पढ़ाई करी थी और जो भी रिसोर्सेज़ वग़ैरह थे काफ़ी सारे रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पर तो मैंने उनकी हेल्प के थ्रू और जो भी बेसिक बुक्स हैं उनके हेल्प के थ्रू मैंने पढ़ाई करी थी अपनी जी आ, तो मैम जैसे आपने बच्चों का ये रहा था कि कितने आवर स्टडी किया जाए या क्या रूटीन था आपका या कितने आवर आप स्टडी करती थी थोड़ा सा इसको ब्रीफली बता सर जैसे नंबर ऑफ आवर जैसा तो नहीं था रूटीन ये था कि एग्ज़ाम जैसे अगर क्लोज हो रहा है क्लोज आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती थी जैसे अगर प्रिलिम्स देना है तो आपको अपना स्टैटिक रिवाइज करना है आपको करंट अफेयर्स दो साल के रिवाइज़ करने हैं फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको कई सारे मॉक देने हैं कम से कम आपको एटलीस्ट फिफ्टी टू तो सिक्सटी मॉक्स तो देने ही हैं फुल लेंथ तो इतना करना है तो इसके लिए जितना भी टाइम लगे वो आपको देना पड़ेगा तो मेन जो मेरा फोकस रहता था कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है अब वो चाहे दिन में कितने भी घंटे पढ़ाई हो ये तो मैंने कभी ऐसे काउंट नहीं किया कभी कभी पढ़ाई नहीं भी होती थी काफ़ी बार ऐसा होता था बट एग्ज़ाम के टाइम तो फिर मतलब पढ़ना ही पड़ता था बिकॉज सिलेबस कम्प्लीट करना है तो मैम अभी आप ये इस यू एग्ज़ाम की तैयारी इसके पहले भी आपका दो पोस्टों पे चयन हुआ था नायब तहसीलदार और ए के साइड पद पर चयन हुआ था तो अभी आपने उसको ज्वाइन किया या नहीं किया क्या था उसका हाँ मैंने 2019 में पहला अपना अटेम्प दिया था यू का और 2000 उसमें मेरा प्रीलिम्स में हुआ था मेंस में नहीं हुआ था और उसी साल दिसंबर में मैंने 2019 पीसीएस का अटैम्प्ट दिया था और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2020 में भी दोनों का मैंने पीसीएस और यूपीएससी में मैंने दो दो दिए थे तो पीसीएस में मेरे दोनों अटैम्प्टे में हुआ था जैसे नायब तहसीलदार और ए तो जैसे अभी उसमें ज्वाइनिंग आई भी नहीं थी और अभी इसका रिजल्ट भी आना था तो अभी उससे रिलेटेड कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ था ओके okay. मैम तो अभी मैम एक पॉइंट रह गया कि सी सेट आ, जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं अभी एक बड़ा डिबेट चल रहा है आ, टोटल शायद ग्यारह सेलेक्शन हुए हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए अभी आप क्या कहना चाहेंगी या कैसे वो अपना एक मोटिवेशन बना के चले सी साट का अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें मतलब ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है मेन ये है कि आप उसको थोड़ा पहले से पढ़िए इन एग्ज़ाम के एकदम पहले वो कवर नहीं होगा थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत उसमें बहुत है तो आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तभी उसको थोड़ा टाइम देते रहिए कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि आप कैसे पेपर आ रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखिए पहले से ही तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी और जहाँ तक मीडियम की बात है तो इंटरनेट की वजह से अभी कई सारा मटेरियल जो है वो हिंदी में भी बहुत फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर इतने सारे जो एजुकेटर्स हैं वो हिंदी में वीडियोज़ बना तो आपको जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें आपको उसका बेस्ट यूज करना है और फिर लैंग्वेज एज अ बैरियर फिर वो रिमूव हो जाएगा अगर आपके पास कंटेंट रहेगा और आपको चीज़ों की समझ रहेगी ओके मैम जैसा कि अभी मैम आप बहुत सारी गर्ल्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है लोगों को आप इंस्पायर कर रही हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो गर्ल्स पे कभी आ, उतना ओपन नहीं हो पाया है इंडिया जैसे जो चाहिए फिफ्टी परसेंट सारी चीज़ों में फिफ्टी फिफ्टी परसेंट की अगर भागीदारी देखी जाए आ, तो उन गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी और स्पेशली जो एस्परेंट हैं ओवरऑल दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी ये सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट आया है उसमें टॉप ट्वेंटी में ट्वेल्व गर्ल्स हैं दे दे। तो ये यही शो कर रहा है कि गर्ल्स ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट उस टॉप ट्वेंटी फाइव में हैं तो इसमें गर्ल होना इज नथिंग सॉर्ट ऑफ अ डिसएडवांटेज कोई डिसएडवांटेज किसी भी चीज़ का नहीं है तो आपको खुद से ही करना है वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय आपको खुद से ही मेहनत करनी है द थिंग इज़ कि जो फैमिली का सपोर्ट और सोसाइटी और जो एक सोसाइटी का इन्वायरमेंट होता है वो डेफ़िनेटली इन्फ्लुएंस करता है तो अगर हमारे साथ के लोग सपोर्टिव रहेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसे मुश्किल नहीं है ओके okay, मैम हम लोग लगभग मैम सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है जो एक एस्परेंट को ज़रूरत होती है आपको ऐसा कोई पॉइंट्स लग रहा है जो एक एस्परेंट के लिए उपयोगी हो सकता है और हम कवर नहीं कर पाए ऐसा कोई पॉइंट आपको लग, लग रहा है Uh, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको अपने मन से जो भी हमारे मन में मिसकंसेप्शन हो वो निकालने पड़ेंगे बिकॉज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एंटर कर रहे हो तो आप मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शन लेके कि हमारे में ये वीकनेस है और ये प्रॉब्लम है मेरे टेस्ट में इतने मार्क्स नहीं आए अब एग्ज़ाम में कैसे आएंगे तो ये सब अपने मन से निकालना पड़ेगा आपको खुद थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि ये एक लंबा फेज चलेगा दो तीन साल चलेगा जैसे मेरा तो मैंने अगस्त 2018 में स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट थ्री ईयर्स हैव कंप्लीटेड और कुछ लोग जो बहुत मेहनत करते हैं उनको और भी कुछ लोगों को और भी साल लगते हैं जिनको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो द थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने वर्क से अपने काम से सेटिसफाइड रहने की कोशिश करिए और जो भी ये सब चीज़ें उनको जैसे जितने भी नेगेटिविटी और ये सब आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी एवरी डे एकदम से आप पॉजिटिव आउटलुक आपका नहीं।, नहीं हो जाएगा आपको हर दिन वो सब फेस करना पड़ेगा तो थिंग इज़ कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा आ, एक क्वेश्चन मुझे अभी ये लग रहा है मैम कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये कितना उपयोगी और कितना आ, मतलब एक बाधा के रूप में ये आता है इसको थोड़ा सा बताया और क्या आप सोशल प्लेटफॉर्म पर थी या कैस ये हेल्पफुल था आपके लिए सर एक्चुअली मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थी नहीं 2018 से और मैंने किसी पे अकाउंट भी नहीं बनाया था बट हाँ इंटरनेट के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैं यूज़ करती थी अपने पढ़ाई के लिए भी एंटरटेनमेंट के लिए भी सब चीज़ के लिए भी बट सोशल मीडिया इन जनरल आई वॉज नॉट एक्टिव ओके थैंक यू मैम चैनल के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो बहुत सारे एस्ट्रेंट हैं उनके लिए आप निश्चित तौर पे आपकी बताई गई रणनीति उनके लिए एक कारगर रूप से साबित होगी और इसी के साथ नमस्कार धन्यवाद